आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलते रहते हैं, वो भी रोज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत फील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ, जो एक स्किन वाइटनिंग रेमेडी है, जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करके आपकी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने में मदद करता है। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है कि आप खुद ही इसके रिजल्ट देख के हैरान हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं ज़बरदस्त रेमेडी को बनाने के लिए किन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत लगने वाली है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो मैंने यहाँ पे लिया है वो है हल्का गुनगुना दूध, यानी कि ल्यूक वार्म मिल्क। यानी कि जो दूध मैंने यहाँ पे लिया है वो ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है। ये रेमेडी बहुत सिंपल है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में, यानी कि एक या दो इंग्रेडिएंट्स में ही हम इस रेमेडी को बनाने वाले हैं। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है दोस्तों, और ये इंग्रेडिएंट्स ज़्यादातर हमारे घर पर अवेलेबल होते ही है। दूध हमारे स्किन को नर्म और मुलायम बनाए रखता है, हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, साथ ही हमारे स्किन को ब्राइटन और लाइटन करता है। दूध हमारे स्किन के लिए एंटी एजिंग का भी काम करता है, यानी कि हमारे स्किन पर समय से पहले झुर्रियों को आने नहीं देता है। इस हल्के गर्म दूध में मैं यहाँ पे नींबू का रस मिला दूंगी, पूरा आधा नींबू का रस मैं यहाँ पे मिला रही हूँ। नींबू हम इसीलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें दूध को फाड़ना है, तो अच्छी तरीके से दूध जो है फट जाएगा क्योंकि पूरा आधा नींबू का रस हमने इसमें मिलाया है। दूध हमें अलग करना है और पानी इसका अलग होना चाहिए। दूध में काफी मात्रा में लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारे स्किन से टैन रिमूव करने में मदद करता है। साथ ही दूसरी तरफ नींबू में आपके स्किन से मेलानिन खत्म करने की ताकत होती है। साथ ही साथ नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जो कि हमारे स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने में काफी हेल्प करता है। दोस्तों, यकीन मानिए इस रेमेडी को यदि आप डेली रोजाना यूज करते हैं तो आपको आपकी स्किन टोन जो है 2 से 3 शेड लाइटर आपको नजर आएगी। अगर आपकी स्किन में ज्यादा दाग धब्बे हैं, ज्यादा टैनिंग है, तो आप इस वाटर को ऐसे ही एज इट इज यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये प्रॉब्लम कम है तो इसमें आप थोड़ा सा रोज वाटर यानी गुलाब जल जरूर मिलाएं। करीब 1 चम्मच गुलाब जल आप इसमें मिला लें। इसको बनाने का तरीका तो आपने देख लिया, बहुत ही आसान है। इसको लगाने का तरीका उससे भी ज्यादा आसान है दोस्तों। किसी भी स्प्रे बॉटल में आप इसे भर करके रख दें। इस तरीके की स्प्रे बॉटल्स आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती है या फिर आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है। आपको डेली इसे अपने चेहरे पर स्प्रे करना है, चाहे तो आप दिन में 2 बार भी स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप इसे बनाने के बाद फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अपने चेहरे पर इसे स्प्रे करें और ऐसे ही छोड़ दें। दिन में 2 बार इसे स्प्रे करें बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, और स्प्रे करने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरीके से क्लीन कर ले। क्लीन फेस पर ही इसे स्प्रे करें। कुछ सेकंड्स रुक के अपने हल्के हल्के हाथों से अपने फेस पे मालिश जरूर करें। इससे आपके चेहरे के अंदर तक जाएगा और बहुत इससे आपको फायदा मिलेगा। ये फॉर्मूला जो है दोस्तों, आपकी स्किन से बहुत ही तेजी से कालापन दूर करता है, साथ ही सन टैन को भी हटाता है। ये जबरदस्त रेमेडी आपके चेहरे से आपकी खोई हुई सुंदरता को वापस लौटाएगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि आपके जरिए उनकी भी मदद हो जाए। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।